गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्यपुस्तक बसंत भाग तीन का चौथा पाठ। कौन सा? बसंत भाग तीन जो है हमारी, उसका चौथा पाठ, जो कि एक कविता है और इस कविता का नाम है दीवानों की हस्ती और इस कविता के कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक कविता है ये और इसका नाम है दीवानों की हस्ती। दीवाने कहते हैं बच्चों जो मस्ती का जीवन जीने वाले जो होते हैं, मौज मस्ती का जीवन जीने वाले, बेफिक्री से जो अपना जीवन जीते हैं बिना किसी चिंता को करे, बेफिक्री का जीवन जीने वाले, मस्ती से जीने वाले लोगों को दीवाने कहते हैं। और इस कविता में जो हमारे कवि हैं भगवती चरण वर्मा जी, उन्होंने आज़ादी से पहले की लिखी हुई कविता है, तो उन्होंने उन बेफिक्री का जीवन जीने वाले दीवाने जो थे हमारे देश के, अब दीवाने किसको, यहाँ पे दीवानों से उन्होंने किसको बताया है, जो आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, वो लोग जो आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे, उन लोगों को लेकर कवि ने ये कविता लिखी है। बहुत प्यारी सी कविता है बच्चों, और कविता नाम तो बता ही दिया मैंने, भगवती चरण वर्मा जी। तो इस कविता के माध्यम से उन्होंने बताया है हमें कि जो हमारे आज़ादी के जो दीवाने थे, जो आज़ादी पाने के लिए तक कुछ भी करने को तैयार रहते थे, एक जगह नहीं रुकते थे, इधर से उधर घूमते फिरते थे, तो उनकी उनके बारे में बताया है और उनकी मनोदशा का वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो चलो कविता शुरू करते हैं। कविता की पहली पंक्ति है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। फिर से रिपीट दोहराती हूँ कविता। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। अब यहाँ दीवाने, जैसे मैंने अभी बताया था, मौज मस्ती यानी बेफिक्री का जीवन जीने वाले लोग, और हस्ती कहते हैं अस्तित्व को, किसी के अस्तित्व को कहते हैं हस्ती, आलम कहते हैं माहौल, आलम कहते हैं माहौल, और धूल उड़ाना यानी खुशी मनाना, खुशी मनाने के लिए धूल उड़ाना शब्द आया है यहाँ पे, और मस्ती कहते हैं बच्चों खुशी। तो कविता की मैं भाव बताती हूँ आपको कि जैसे कविता ये पंक्तियों का अर्थ है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। तो कभी कहते हैं कि आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले जो हमारे ये दीवाने हैं, ये इनकी इनका तो कोई इनका जो अस्तित्व है, इनका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, आज यहाँ कल वहाँ चले, ये आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह है, क्योंकि वो एक जगह तो ठहर नहीं सकते, क्योंकि क्यों नहीं ठहर सकते, क्योंकि उनको अपनी रणनीति योजनाएं बनानी होती हैं, किसके लिए, आज़ादी के लिए। तो वो लोग अपनी योजना बनाने के लिए इधर से उधर घूमते हैं, वो एक जगह रुक कर कहीं भी नहीं रुकते हैं, और वो देश की महानता व गरिमा के मतलब देश के महानता गरिमा के सामने वो कहते हैं हमारा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि हमारे किसके लिए वर्क कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं देश के लिए। तो कहते हैं ना कि इन दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, हस्ती कहते हैं अस्तित्व को। तो वो कहते हैं इस देश की गरिमा के सामने तो हमारा कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि हमारा क्या अस्तित्व है, हमें तो जो भी करना है अपने देश के लिए करना है, इसीलिए हम एक जगह नहीं ठहर सकते, आज यहाँ है तो कल दूसरी जगह है, तो आज यहाँ है वो और कल दूसरी जगह है। फिर मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। मस्ती का आलम यानी खुशी भरा माहौल, मस्त आलम कहते हैं माहौल को। तो वो जहाँ भी जाते हैं, जो हमारे दीवाने हैं वो जहाँ भी जाते हैं, वो खुशी का माहौल वहाँ पर बना देते हैं, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं मस्ती का आलम उनके साथ जाता है, यानी वो जहाँ भी जाते हैं हंसी खुशी के साथ जाते हैं, और जहाँ भी वो रुकते हैं वहाँ पर वो हंसी खुशी का माहौल बना लेते हैं। तो मस्ती का आलम साथ चला मतलब वो जहाँ भी चले अपने साथ मस्ती हंसी खुशी के माहौल को लेके चले, हम धूल उड़ाते जहाँ चले, हम जहाँ भी मस्ती के साथ खुशी मनाते हुए चलते, हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर खुशियों को फैलाते हैं, खुशियाँ ही हम मतलब जो खुशियों को है संसार हमारे साथ, खुशियों का जो संसार है वो सारा उनके साथ होता है, मतलब खुशियों का सारा संसार वो अपने साथ लिए चलते हैं, खुशियों का माहौल अपने साथ लेके जाते हैं जहाँ भी वो जाते हैं। अब आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले दे, आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम
चली। फिर से आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चली, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब क्या है यहाँ पे शब्द आया है उल्लास। उल्लास कहते हैं बच्चों खुशी को। उल्लास किसको कहते हैं? खुशी को। तो कैसे शुरू पंक्तियों का अर्थ शुरू करती हूँ आप कि पंक्तियाँ आए बनकर उल्लास अभी। अब वो जहाँ भी जाते हैं जो हमारे दीवाने हैं तो लोग उनसे कहते हैं कि भाई आए बनकर उल्लास अभी आप, मतलब वो जहाँ भी गए खुशियाँ लेकर आए। तो वो जहाँ भी ठहरते हैं जिस गाँव में, नगर नगर गाँव गाँव घूमते हैं वो, तो जिन लोगों के बीच भी वो जाते हैं वहाँ पर ढेर सारी खुशियाँ वो फैला देते हैं। मतलब उनके साथ बैठते हैं और कुछ खुशी के क्षण उनके साथ बिताते हैं। आंसू बनकर वह चले, आंसू बनकर वह चले अभी, मतलब अभी अभी तो आप आए थे। और जब वो आते हैं और हंसी खुशी का माहौल वहाँ पर बन जाता है तो जब वो वहाँ से जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्यों? कि अब वो आज, अब वो आज़ादी का, वो किसका जीवन जी रहे हैं? आज़ादी के लिए वो अपनी योजनाएं बना रहे हैं। वो कोई ऐसे तो है नहीं, तो वो वीर लोग हैं। तो वो जहाँ जाते हैं लोगों को पता होता है, लोगों को ये भी पता होता है कि अब ये यहाँ से जाएंगे तो उसके बाद हमारा इनका मिलना हो या ना हो, क्योंकि ये तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो तो उस लड़ाई के लिए निकल चुके हैं। तो इसलिए वो तो कहीं ठहरते नहीं। तो वहाँ पे यही कह रहे हैं कि भाई जब वो वहाँ से चलते थे खुशियाँ बिखेर पाते रहे, कुछ दिन रुकते हैं, कुछ समय बिताते हैं और फिर वहाँ से चल देते हैं, तो लोगों की आंखों में क्या होता है? आंसू आ जाते हैं उनके लिए। मतलब लोगों को दुख होता है उनसे बिछड़ते हुए। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। मतलब सब पूछते ही रह जाते हैं कि भाई तुम किस लिए आए थे, मतलब अभी अभी तो तुम आए थे तो तुम किस लिए आए थे, लोग पूछते ही रह जाते हैं। लेकिन वो वहाँ भी थोड़ा वक्त गुजार कर आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? कि उन्हें तो किसकी तलाश है? उन्हें अपने मंजिल की तलाश है। वो एक जगह रुकने वाले तो है नहीं, उनको किसकी तलाश है बच्चों? अपनी मंजिल की तलाश है उनको। उनको एक जगह नहीं रुकना है, उनको तो घूमते रहना है जगह जगह, उनको किसी भी एक जगह नहीं ठहरना है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो तो जगह जगह घूम रहे हैं, उनको किसी एक जगह रुककर नहीं रहना है। तो वो क्या करते हैं कि जगह जगह फिर घूम रहे हैं, वो उनको किसी एक जगह नहीं रहना है, वो जगह जगह घूम रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि तुम कैसे आए कहाँ चले। तो मतलब तुम कैसे आए और अब कहाँ जा रहे हो तुम? तो लोग उनसे पूछ रहे हैं कि भाई थोड़ा रुको, क्योंकि उनसे अभी तो हमने मिलके तुमसे थोड़ी देर बातें भी ढंग से नहीं की और इतनी दिन में आप चल दिए। क्योंकि वो जहाँ जाते हैं वहाँ हंसी खुशी का माहौल हो जाता है, लोग उनसे अपने सुख दुख की बातें करते हैं। तो वो लोग वही कह रहे हैं कि भाई तुम अभी अभी तो आए थे, तुम अभी अभी फिर से चल दिए। तो वही है ना कि आंसू बनकर वह चले अभी, हम कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। मतलब तुम क्यों आए थे और क्यों चल दिए? अभी अभी तो तुम आए थे और अभी अभी तो वापस जा रहे हो। तो लोग उनसे ये कहने लगते हैं कि भाई तुम अभी अभी तो आए थे और अभी अभी तुम वापस चल दिए हो, तो वापस क्यों जा रहे हो? अभी अभी तो आप लोग आए थे और अभी अभी आप फिर से वापस जा रहे हो। तो लोग उनसे ये बात पूछते हैं कि भाई तुम क्यों जा रहे हो। तो आगे हम कविता की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। इससे आगे की कविता की पंक्तियाँ हैं हमारी कि किस ओर चले यह मत पूछो, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका कुछ दिए चले। अब क्या कहते हैं कि जग कहते हैं बच्चों संसार को। जग किसे कहते हैं बच्चों? संसार को। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ये मत पूछो, मतलब किस ओर चले ये मत पूछो। अब हमें कहाँ जाना है, हमें तो अपनी मंजिल का खुद भी पता नहीं है, क्योंकि हम तो कहीं भी जा सकते हैं। क्योंकि वो लोग तो जगह जगह घूमते हैं, किस लिए? क्योंकि उन्हें तो आज़ादी की लड़ाई लड़नी है, उन्हें तो उसके लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो उनको तो ये पता ही नहीं है कि उनकी मंजिल कहाँ है, उनकी मंजिल कहाँ है उनको ये नहीं पता है। तो वो तो कहीं भी जहाँ पे उनको ले जाता है समय, जहाँ पे उनको लगता है कि जाना है वो वहीं निकल लेते हैं। उनका कोई फिक्स ठिकाना तो है नहीं। तो वो कहते किस ओर चले यह मत पूछो, हम कहाँ जा रहे हैं ये हमसे मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक जाना है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, इसलिए हमें जाना तो है, हम यहाँ नहीं रुक सकते। क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति क्या है? देश को आज़ाद कराना। वीरों की लक्ष्य की प्राप्ति क्या थी बच्चों? देश को आज़ाद कराना। तो वो कह रहे हैं कि हम रुक तो सकते नहीं, क्यों? कि हमें जहाँ जाना है वहाँ तो हमें जाना ही है, हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हम एक जगह ठहर नहीं सकते, हमें तो बस चलते ही चले जाना है।
जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब हम आपसे आप, क्योंकि जग से उसका कुछ लिए चले मतलब वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें इस दुनिया के लोगों के दुख दर्द उन्होंने उनको बांटने हैं, उनको जो लोग हैं उनके दुख दर्दों को दूर करना है, क्योंकि लोग बहुत दुखी थे उस समय, अभावग्रस्त जीवन भी था, लोग बहुत दुखी भी रहते थे, क्योंकि आज़ादी से पहले का समय है बच्चों, उस समय इतना कुछ नहीं था तो लोग बहुत दुखी रहते थे। ये तो आप लोग भी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि उस समय की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत अच्छी नहीं थी हर किसी की स्थिति, कुछ ही लोगों की स्थिति अच्छी हुआ करती थी जो अंग्रेज सरकार के उसमें जॉब मतलब नौकरी करते थे, बाकी लोग तो बहुत ही दयनीय जीवन उस समय व्यतीत करते थे। उस समय की स्थिति बहुत अच्छी हमारी नहीं थी, क्योंकि हम क्या थे, अधीन थे अंग्रेजों के। तो वही कह रहे हैं कि जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। हमने लोगों के दुख दर्द वो अपने साथ ले लेते हैं, क्योंकि उनसे उनके दुख दर्द बांटते हैं और अपना कुछ दिए चले, यानी वो लोगों को मतलब के बीच खुशियाँ बांटते हुए जा रहे हैं। लोगों को कुछ क्या देके जा रहे हैं, वो खुशियाँ, क्योंकि वो उनके साथ किसके क्षण बिताते हैं, खुशियों के क्षण बिताते हैं। तो वो लोगों के साथ खुशियों के क्षण बिताते हैं, उनके दुख दर्द दूर करके उधर से आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी तो मंजिल, उनकी जो जो लक्ष्य है, उनका जो मंजिल है वो तो कुछ कहीं और ही है, वो यहाँ एक जगह नहीं है। वो जब तक अपनी मंजिल को ना पा लें, अपने लक्ष्य को ना प्राप्त कर लें, तब तक ठहर नहीं सकते। तो इतनी आज की, आज हमने तीन ये इतनी पंक्तियाँ पढ़ी कविता की, इससे आगे की पंक्तियाँ अगली क्लास में करेंगे बच्चों। कविता बहुत अच्छी है, दीवानों की हस्ती। कैसी लगी कविता आपको, मज़ा आया ना सुनने में? इसको सुनना अच्छे से, समझना और पढ़ना भी बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। पढ़ाई करते रहना, अच्छे से पढ़ना बच्चों, और अपना ध्यान भी रखना, और थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़रूरी भी है, इसलिए पढ़ाई को हमेशा थोड़ा थोड़ा करते रहना है। ऐसा नहीं है कि घर में बस खेलने में पूरा समय बिता दो, थोड़ा समय हमें टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ने के लिए भी निकालना है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाय बाय बच्चों।